एलिस भाई तो मीटअप में मिलती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं और मेरे दोस्त एलिस भाई के चलते हैं घर मिलने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को तैयार किया, अपना हेलमेट लगाया और निकल गया एलिस भाई से मिलने के लिए। रास्ते में खूब सारे हमने मस्तियां की, मौसम है सुहाना, लड़की है पटाना, एलिस भाई से मिलना। रास्ते में ट्रैफिक को पार करते हुए हम एलिस भाई की लोकेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। लोकेशन के अनुसार हमें एलिस भाई के घर का पता मिल जाता है। घर मिलने के बाद हमें कन्फर्म करना होता है कि एलिस भाई घर पर है कि नहीं है। सामने से आइसक्रीम वाले भैया आते हैं, उनसे हम आइसक्रीम ले लेते हैं। पता चलता है कि आइसक्रीम वाले भैया मेरी वीडियो देखते हैं। कुछ देर बाद एलिस भाई के फैंस आ जाते हैं, पता चलता है कि वो मेरे भी फैंस हैं। भाई बोलते हैं कि एलिस भाई की प्लॉट में पोर्च रखी हुई है, तो हम अपनी बुलेट निंजा उठा के सीधे निकल जाते हैं एलिस भाई के प्लॉट में पीछे की तरफ। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था पोर्च को देखने के लिए, तो हमने अपनी गाड़ी को साइड में लगा। पोर्च के साथ मेरा फोटो खिंचाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था, लेकिन प्लॉट में ताला लगा हुआ था। पोर्च को देखने के बाद हम वापस चले गए एलिस भाई के घर। गली में कुछ एलिस भाई के क्यूट से फैंस मिलते हैं, जो एलिस भाई का स्केच और उसके लिए कुछ लिख के लेके आए हुए थे। बैठे बैठे हम बहुत ज्यादा थक गए थे, तभी हमें पता चला कि एलिस भाई अपने पिछले प्लॉट से निकल चुके हैं। तो मैं भागता भागता गया और आखिरकार एलिस भाई से मिल लिया। एलिस भाई बहुत दिलेर बंदा है। एलिस भाई की हाइट मेरी हाइट से आधे फुट लंबी थी। एलिस भाई से मैंने बात करते करते एलिस भाई ने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट